लेना है गुस्सा। सुनिए शराब आपको लेना है, शराब आपको लेना, आप उससे पूछे थे ना कि शराब दिलाएंगे, आप हमसे पूछे शराब लेना आपको, किसी को आप ऐसे ही मेरे साथ में चलिए ना, पेन के साथ में है ना वो कैमरा मोबाइल वाला, आपको कैमरा सेट करके चलिए, आपको पिलाएंगे साथ में। चल रहा है भैटनर आया, गलती लिखा जाता है उसको साफ करने के लिए, कहा भाई उसको पीता है कपड़े में डालकर, ये क्या हो रहा, क्या हो रहा भाई, ये क्या है, नशा मुक्ति यही करवाते हैं आप, खाली बंद बंद करने से होगा, जिसको जरूरत है उसको दीजिएगा ना, कि सिगरेट पर लिखा हुआ है अब उस पर एक तस्वीर है कि पुड़िया खाएंगे तो आपको फेफड़ा सड़ जाएगा और सिगरेट पियेंगे तो भी फेफड़ा अच्छी हो जाएगा, तो उस जब गलत चीज है तो उसको बेचा क्यों जा रहा है खुली आम। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे, देखिए हम मौजूद हैं पटना के पटना जंक्शन पर, और आम लोगों से बस इतना सवाल करने वाले हैं कि शराबबंदी सक्सेसफुल है या नहीं है, क्योंकि लगातार कितने लोग मर रहे हैं, आप लोग से छुपा नहीं, यहाँ कुछ लोग हैं जो कि छोड़ने आए हैं, क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले? राजेश कुमार नाम हुआ। आप भी जानते होंगे कि कितने लोग बिहार में मर रहे हैं? इधर तो हाल फिलहाल में इसे कि जहरीली शराब पीने से बहुत लोग मर रहे हैं, लेकिन इस शराबबंदी जो है सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल है? हाँ। सक्सेसफुल है? हाँ। चलिए आप रुकिएगा, अभी जाइएगा, आप बताइए सक्सेसफुल है कि नहीं है, सच बोलना है। नहीं, यहाँ पर प्रशासन के कारण तो दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये अच्छा काम है, नियत अच्छा है, लेकिन तो लोग मर काहे रहे अगर अच्छा काम है तो? नहीं, मर तो गुजरात में भी रहे हैं। हाँ। गुजरात में थोड़े, गुजरात में 3 महीना पहले 57 लोग मरे थे, मर तो मर चूंकि जब इसमें लोग पियेंगे जो मनाही है उसके बाद भी लोग पियेंगे तो दुर्घटना चालू था। तो आप पीते थे कि नहीं? नहीं, आप पीते थे? हम नहीं पीते थे। चलिए आप खुश हैं शराब और सक्सेसफुल है, आप कह रहे हैं शराबबंदी सक्सेसफुल है, माने नहीं मिलता है शराब तो मिल रहा है बिहार, तो कह रहे हैं सक्सेसफुल है, अभी होम डिलीवरी शराब मिल रहा है, लोग जो मर गया उसका क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा? क्या होगा, नीतीश कुमार देंगे 5 लाख रुपया खाली कहें कि ले लो बस हो गया। मिलता है कि नहीं मिलता, बस इतना, गरीब परिवार जाते, मिलता है कि नहीं मिलता, सगरो मिल रहा है दारू, कह रहे हैं सक्सेसफुल है, कोई नहीं सक्सेसफुल है, इनमें खाली गरीब सबको खाली, मतलब सरकार के आप वो हैं कि नीतीश कुमार के भक्त, जो लोग नीतीश कुमार के भक्त हैं कि क्या है ये बता दो? नहीं नहीं, हम लोग आम जनता है, किसी का कोई भक्त नहीं है, भक्त सुने थे अभी तक नीतीश कुमार का भक्त नहीं, किसी का कोई भक्त नहीं, हम लोग आम जनता है। चलिए ठीक है, आप यहाँ सामने हैं, आप लगातार शराबबंदी पे आवाज उठाते हैं, आप अभी यहीं रहिएगा, आप बताइए सक्सेसफुल कह रहे हैं शराबबंदी? सक्सेसफुल का क्या पैमाना है पूछे ना, नहीं मिलना चाहिए, पहला पैमाना तो यही होना चाहिए कि मिलवे नहीं करे, जब बंदी है तो बंदी, बंदी है तो बंदी है ना भाई, काहे बिक रहा है चारों दिन, ऊपर से मंच पे चढ़ के बोलते कि खराबी खाली पटना में, कल 30 आदमी मर गया छपरा में, है खाली खराबी पटना में, वो तो बोल दिए ना मुख्यमंत्री की खराबी खाली पटना में, बंदी तो पूरा बिहार में ना है, बंदी तो पूरा बिहार, कहाँ बंदी है पहले तो आप ही बताइए ना, कि बंदी का सफलता का क्या पैमाना होना चाहिए? आपको कोई बोलेगा तो आप दिलवा दीजिएगा अभी? हम नहीं दिलवाएंगे नहीं, लेकिन उसको मिल जाएगा, उसको खाली हम ही सोर्स थोड़ी है, हम तो है ही नहीं, लेकिन इनको क्या कहिएगा, आपकी नजरों के सामने जो है वो कह रहे हैं कि सक्सेसफुल है, मतलब कि इनका कहना है हम सक्सेसफुल का पैमाना पूछेंगे, किस आधार पर आप सक्सेसफुल, किस आधार पर कह रहे हैं? खुलेआम जैसे हम अभी अगर हम शराब कहीं पीने की इच्छा हुआ तो हम अगर कहीं खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, तो उसको सक्सेसफुल बोलते हैं? नहीं, सक्सेसफुल तो लगभग किसी भी काम में 10% तो कमी रहता ही रहता है, सक्सेसफुल क्या है? अब मर रहे हैं लोग, उनके परिवार का क्या होगा? क्या होगा, सरकार मुआवजा? दुखी होते हैं कि नहीं? आप देखिए, आपके लोग नहीं हो या फिर कोई भी, दुखी होते हैं? 100% होते हैं, जब बिहारी कोई मरता है तो दुखी होता है? अगर किसी, सुनिए नहीं, नहीं नहीं, किसी एसपी को सस्पेंड करके देखे नीतीश कुमार, उसको पता चल जाएगा शराबबंदी। आप बताइए, नहीं है, किसी एसपी को देखे, चौकीदार करने से क्या फायदा? अरे कमाई बढ़ा दिया आप, एसपी उसका पोल खुलेआम खोलेगा कि शराबबंदी, आपके हिसाब से बताइए है कि नहीं है? फेल है ये तो, शराबबंदी फेल है। जो सक्सेसफुल कर रहे हैं उनसे पूछे, किसी एसपी को सस्पेंड करके देखे, गया में डीएम और नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, गया में बहस इसलिए हो रही है कि सक्सेसफुल कर रहे हैं और ये लगातार बोल रहे हैं, ये लोग भी कर, आप बोलिए लगातार हो रहा है, देखिए बहस हो रहा है। देखिए हम तो कह रहे हैं कि सक्सेसफुल, पहले बताइए ना, आज के डेट में नौकरी बांटना रहता है तो मंच पे खड़ा होकर नियुक्ति पत्र देते हैं ना गांधी मैदान में,
मृत्यु प्रमाण पत्र देंगे शराब पीने से मरने वालों को आज गांधी मैदान में खड़ा होकर दे कि भैया इनका मृत्यु शराब। सरकार से आप नाराज हैं? सरकार से नहीं, पूरा व्यवस्था से नाराज है। इनका अफसर कौन है भाई, क्या सलाह देता है कि भैया 10,000 काहे मर रहा है जब शराबबंदी है? शराबबंदी है कहाँ, बात तो वही है ना, शराब को खोला रखा गया है कि 2,000-5,000 का जुर्माना जो है वो कैसे लेगा बंद करने के बाद। पिलाएंगे पहले इनको और फिर इनसे 2,000 झीटेंगे कि भैया लाओ 2,000। सरकार अभी गुस्सा में लग रहे हैं। 100% ये जी वो बात बोल रही है, जायज बोल रहा है इनका 100% ये सर्टिफाई वाली बात हो रही है आज के रेट में। आप भी देख सकते हैं भाड़ा 20 रुपया, रात में लेते हैं 25 रुपया। क्या है भाई नाइट सेवा? आप खुश है ना? हाँ हम खुश हैं, हम संतुष्ट हैं। जैसे इसमें नियत अच्छा है, जैसे नियत जैसे आज मर्डर भी हो रहा है, इसका मतलब क्या कहिएगा कि मतलब 302 का धारा जो है उठा लेना चाहिए ना इसको। आप बोलिएगा नहीं ना कि शराबबंदी है, चूंकि शराब है, शराबबंदी शराब है, मिलता है कि नहीं मिलता? अरे आप लोग मुद्दा लेके आ जाते हैं, मुद्दा लेके इसलिए आए हैं। पहले हमारी बात सुनिए, आप शराब के लिए मुद्दा लेके आते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं शराब बंद है, बिहार में शराब सही बंद है, बंद है, पूरा बंद है। लेकिन शराब शराबे वो है बिहार में कि आओ कुछ है बंद होना चालू होना ये शराब। एक मिनट, मुद्दा इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि छपरा में जितने लोग मरे हैं उनका पता है ना, वो पटना में भी मरेंगे। छपरा में क्या मरे, पटना में मरेंगे। चुनाव पूरा फेल है, पूरे के जो लोग कह रहा है कि पास है शराबबंदी है, कहीं नहीं मिलता शराबबंदी, कहीं नहीं, सब जगह शराब मिलता लेना है। गुस्सा सुनिए, शराब आपको लेना है, शराब आपको लेना, आप उससे पूछे थे ना कि शराब दिलाएंगे, आप हमसे पूछे शराब लेना आपको, आप दे देंगे किसी को भी? तेरा किसी को? आप ऐसे ही मेरे साथ में चलिए ना, पेन के साथ में है ना वो कैमरा मोबाइल वाला, आपको कैमरा सेट करके चलिए, आपको पिलाएंगे साथ में, पिलाएंगे साथ जी में। हाँ जी हाँ, पिलाएंगे साथ में। अरे यही शराब बंदी है, देखिए पिलाएंगे साथ में। अरे शराब को चालू कीजिए, समझ गए कितना जनता बर्बाद हो रहा है ये जहरीली शराब पी के, उससे बनिया सरकार। गुस्सा आता है कि नहीं कि जब कोई बिहारी मरता है तब गुस्सा आता है कि नहीं? अरे बिहारी मरता है तब गुस्सा नहीं होता, जब कोई अपना मरता है ना जखनी बुझाता है कि नोच लेगा उसको, तब पता चलता है कि अरे शराब बंदी। बिहार के लिए कौन सोच रहा है भाई, न सरकार सोच रहा है, अरे न सरकार सोच रहा है न जनता सोच रहा है, वो अपना देख रहा है, 2 नंबर के मेरा माल आ रहा है ना वो खुश है, सरकार का 2 नंबर का माल आ रहा है वो खुश है, बीच में मारा जाता है। कितना आता है इस चीज से गुस्सा, कितना आता है? अब कितना हम गुस्सा आपको अखनी हम ला के दिखाए बताइए भाई, कितना गुस्सा दिखाते अभी हम, जितना सरकार से है उतना दिखा। अरे नहीं नहीं, ये शराब बंदी के फेरा छोड़िए, शराब चालू करना है कीजिए, बालू चालू नहीं होगा, बंद नहीं होगा। जनता मान नहीं रही है सरकार क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ, और जनता मान नहीं रही है तो उसके पीछे क्यों सरकार पड़ा हुआ। वो जब सरकार शराब मिल ही रहा, पी रहा, हर चीज कर रहा, चालू कर दीजिए, कम से कम सरकारी शराब तो उसको मिलेगा ना, 2 नंबर से तो बचेगा ना। सहमत है? बिल्कुल सहमत है, अभी अरे चालू कराना ही पड़ेगा अंत अंत तक, बताइए ना सिस्टम से चालू कीजिए, दुकान खोल के बेचिए ना, दुकान खोल के बेचे सरकार। आप बताइए हमको एकदम छोटा सा चीज है कि यही मॉडल लेके आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री बनना है बिहार मॉडल ही दिखाइएगा, अगला आदमी गुजरात मॉडल दिखा रहा है, ये बिहार मॉडल है कि शराब पियो। गुस्सा जाए, ऐसे प्रधानमंत्री बनिएगा उससे अच्छा तमने। एक मिनट, 3 महीना पहले गुजरात में 57 आदमी मरा था, तो गुजरात में मरा और बिहार में भी मरा तो बराबर हो गया, 57 आदमी मरा है। आप बिहार देखिएगा कि गुजरात देखिएगा, गलत है। आप बिहार देखिएगा गुजरात भी गलत है, बिहार देखिए गुजरात, हम पहले बिहार, बिहार देखिएगा गुजरात देखिए, बिहार की गुजरात, बिहार बिहार देखो कि गुजरात देखो, बिहार बिहार देखिएगा गुजरात देखिएगा, बिहार देखिए गुजरात कि गुजरात में जाके देखिएगा, अभी पहले अपना देखिएगा कि दूसरे का देखिएगा, शराब मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, हर एक घर मिलता है, और जो लोग मरते हैं उन सुन के गुस्सा आता होगा सरकार पे, बहुत गुस्सा आता है, मतलब कि मरने के बाद सरकार संवेदना करती है, मरने के बाद सरकार संवेदना व्यक्त कर रही है, फिर वही बात मिल रहा है,
चलिए देखिए, पटना जंक्शन पर हम मौजूद थे और लोग जो हैं वो काफी ज्यादा गर्माए हुए हैं, साफ कह रहे हैं। देखिए, जहरीली शराब जो है वो लगातार लोग उसका सेवन करते हैं और उससे मौत हो जाती है। लोग बहुत गर्माए हुए हैं सरकार से, नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा गर्माए हुए हैं। साफ कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी कुछ नहीं है, इससे अच्छा खोल देते तो बिहार का भला होता। तो बस देखिए, लोगों का कुछ क्या कहना था, कुछ बोला? शराबबंदी बहुत अच्छी पहल है, अच्छी पहल है। लोग मरते हैं, लोग जो मर रहे हैं उसके बारे में बीच में रोके हैं कहने के लिए कि शराबबंदी बहुत अच्छा चीज है, अच्छा चीज है, तो लोग मर कैसे रहा जब शराबबंदी है? तो शराब हमने बंद कर दिया है, सीएम बंद कर दिए हैं, तो लोग को जाना क्यों जरूरी है कि वहाँ बेचना क्यों जरूरी है, मिलना क्यों जरूरी है? कितना लोग मिल बंद, मान लीजिए कुछ है, कह रहे हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छा चीज है, क्या बोले थे आप? नहीं, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, इसमें जो लोग का गलती है जो पीता गरीब लोग का गलती कि जो मिल ही रहा है तो बेचबे ना करेगा। शराब अगर सिस्टम से बेचा जाए सरकारी अनुसार तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन सिस्टम से एस्टिमेट कर देता है, जैसे एक दुकान 5 किलोमीटर के अंतर्गत में अगर खुलता है तो आदमी पीने के लिए सोचना पड़ता है। अगर 5 किलो पर 500 दुकान खुल जाए, घरे घर दुकान खुल जाए, वो गलत है। सिस्टम से आप आधार कार्ड के जोड़ सिस्टम से खोल दीजिए, सिस्टम से खोल दीजिए, अभी नहीं, अब हाँ ना नहीं, अब खोल दीजिए। हाँ खोलिए नीतीश जी, यही में आपका इज्जत बचा हुआ रहेगा। इज्जत चल गया क्या? लीजिए लीजिए। अरे वो जो विपक्ष अपक्ष पार्टी जो बोल रहा है, उस समय बंदी कराने के लिए सबको ही तैयार थे, आज जनता नहीं मान रही है, उसके चलते जो नकली शराब पी के मर रहा, इसका देनदार बहुत लोग कहता है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि जो पीता है उसका गलती है, पीता उसका गलती है। का नाम ठीक है कि सिगरेट पर लिखा हुआ है, अब उस पर एक तस्वीर है कि पुड़िया खाएंगे तो आपको फेफड़ा सड़ जाएगा और सिगरेट पियेंगे तो भी फेफड़ा अच्छी हो जाएगा। तो उस जब गलत चीज है तो उसको बेचा क्यों जा रहा है खुलियाम? वो गुटखा, आप लोग पहले बताइए भाई, आप लोग से सवाल पूछ रहे हैं, गुटखा क्या है? खराब चीज है, ये हो या जानलेवा है, जानलेवा है। सिगरेट क्या है? जानलेवा है। दारू क्या है? जानलेवा है। दारू क्या है? क्या गुटखा भी तो बैन है ना बिहार में, का तो कौन दुकान पे नहीं बिक रहा है, फेल है, अब चालू कर देना चाहिए। अरे भाई, सब कुछ जो बंद किए हैं चालू करवाइए, ढंग से सिस्टम से चालू करवाइए। अब सब चीज बंदे है, टेम्पू के परमिट बंदे है, बालू बंदे है, देसी शराब बंदे है, खाली बंद बंद करने से होगा? जिसको जरूरत है उसको दीजिएगा ना। आ ये जो बीएस जो चल रहा है, भैटनर आया, गलती लिखा जाता है उसको साफ करने के लिए, कहा भाई उसको पीता है कपड़े में डालकर, ये क्या हो रहा, क्या हो रहा भाई, ये क्या है? नशा मुक्ति यही करवाते हैं आप बिहार का? मतलब है कि हमको अच्छा से सरकार को रखना है, जनता को हमको अच्छा से रखना है कि अगला बार वोट मांगने के लिए उसके पास न जाना पड़े, आप वोट देना चाहना चाहिए, लेकिन ये लोग अपने आप जो बिगड़ जाते हैं, गलत बोल देते हैं। इज्जत गया कि बच गया, ये बस बता दीजिए, इज्जत गया सरकार वो तो गया। खुद अपने सोचेंगे कि इज्जत बच गया कि गया। देखिए, पटना जंक्शन पर हम मौजूद थे और लोगों से जब सवाल किए कि जहरीली शराब के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो देखिए सीधे कहते हैं कि अब इज्जत बचा लीजिए नीतीश कुमार, इज्जत बचा लीजिए सरकार, नहीं तो बहुत बिगड़ जाएगा बात। बिहारी लोग थे सब लोग, क्या कुछ कहे हैं, क्या कुछ माहौल बना था वो आपने देख लिया। देखिए, गरमाए हुए हैं और सीधे टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार को, सीधे टारगेट कर रहे हैं सरकार को, बहुत सुनाए हैं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।